का शब्द प्रयोग किए बिना H-1B वीजा पर बहुत ही विस्तृत चर्चा, उसकी स्पिरिट पर बहुत ही विस्तृत चर्चा प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में हुई। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप को ये स्वीकार करने में कामयाब हुए कि भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल्स अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती में बहुत योगदान दे रहे हैं। उन्होंने उस योगदान को स्वीकारा। अभी आनंद शर्मा जी इससे पहले जीरो आवर में बोलते हुए इसी प्रश्न को कह रहे थे और कह रहे थे कि जॉइंट स्टेटमेंट में कोई जिक्र नहीं है। मैं कहना चाहूँगी कि शब्द ही इससे शुरू है, अपलोडिंग द एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन ऑफ इंडियंस एंड इंडियन अमेरिकन्स दैट हैव डायरेक्टली बेनिफिटेड बोथ द नेशंस। अगर मैं वही कह रही हूँ सर, प्लीज लेट हर फिनिश। आनंद भाई लेट हर फिनिश प्लीज। आनंद भाई सभापति जी, मैंने किससे शुरू किया, H-1B शब्द का प्रयोग किए बिना। आपकी बात मैं मान रही हूँ कि H-1B शब्द नहीं है। मैंने कब कहा कि H-1B शब्द है? मैंने कहा H-1B शब्द का प्रयोग किए बिना H-1B की स्पिरिट पर बहुत विस्तृत चर्चा प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की हुई। और उसके आगे मैंने ये भी कहा कि उस चर्चा के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप को ये मनवाने में कामयाब हो गए कि भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल्स अमेरिकन अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत कर रहे हैं और उसमें बहुत योगदान दे रहे हैं। और जॉइंट स्टेटमेंट में इसका जिक्र अपलॉड शब्द से आया और उन्होंने सराहना भी की और फिर आगे वेलकम शब्द आया तो उन्होंने सराहना और स्वागत किया। तो जिन स्किल्ड प्रोफेशनल्स का, जिन IT प्रोफेशनल्स का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर उनकी सराहना राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं, अगर उनका स्वागत राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं, तो उनके हितों को प्रभावित करने का काम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा इट इज़ बेनिफिटिंग बोथ दी नेशंस। अगर वो उनका अहित करेंगे तो अंत में अहित अमेरिका का होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ आप शब्द पर मत जाइए, H-1B शब्द का प्रयोग नहीं है। मैंने इससे प्रारंभ किया है अपनी बात को, लेकिन H-1B शब्द, H-1B वीज़ा के बारे में जो आप चाहते थे उसको उन्होंने इस तरह से स्वीकारा है कि भारतीय IT प्रोफेशनल्स का बहुत बड़ा योगदान है और सराहना और स्वागत दोनों किया है। इस स्पिरिट को सदन को समझना चाहिए। थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ तक इसराइल के साथ MOUs का सवाल है। मैंने अपने लिखित जवाब में उन तमाम MOUs का जिक्र कर दिया है जो MOUs इंडिया और इसराइल के बीच में हुए हैं। जहाँ तक बात आपने बॉर्डर फेंसिंग इसकी की है, प्रधानमंत्री मोदी और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के बीच में काउंटर टेररिज्म पर बहुत लंबी विस्तृत चर्चा हुई और जैसा कि आप जानते हैं कि उनके यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है और जिस तरह का संबंध बना है उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में भी उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि MOUs की लिस्ट तो साथ लगी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी बात उनकी, तब आप हैरान होंगे कि जो डिनर पर चर्चा हुई वो रात के 2:30 बजे समाप्त हुई। एक एक शब्द पर, एक एक विषय पर उनकी लंबी चर्चा प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ हुई। अमेरिका, मैं आदरणीय सांसद डी राजा जी को कहना चाहूँगी कि ये पहली सरकार है, दोबारा कहूँगी ये पहली सरकार है जो डिफेंस में सेल्फ रिलायंट होने के लिए आगे बढ़ी है। लगातार सरकारें रहीं, ऐसी सरकारें भी रहीं जिनको आप भी समर्थन देते रहे। आज तक कभी एक नए पैसे की FDI डिफेंस में आई? सेल्फ रिलायंट आप कैसे होंगे? पैसा चाहिए ना, जॉइंट वेंचर्स चाहिए ना, फैक्ट्रीज चाहिए ना। ये पहली सरकार है जिसने 100% FDI डिफेंस में खोली है, ये कहकर कि अगर आप इम्पोर्ट करते हैं, अगर आप इम्पोर्ट करते हैं सारी चीज़ें तब भी तो आप उन पर आश्रित हैं। उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा बेहतर है कि 100% FDI खोल करके मेक इन इंडिया में डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाओ। राजा जी, जिन सरकारों को आप समर्थन देते रहे वो भी कभी सेल्फ रिलायंस डिफेंस की तरफ नहीं हुई आज तक की। कैन द क्वेश्चन बी आंसर्ड विदाउट पॉलिटिक्स? सभापति जी, पहली बार रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अगर कोई सरकार स्वावलंबन की तरफ आगे बढ़ रही है तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार है। थैंक यू। उसे आज तक की सारी सरकारों की बात कर रही है। लेट द नेक्स्ट क्वेश्चनर टेक अप डिफेंस में सेल्फ रिलायंस और बीच में बहुत से प्लीज सिट डाउन। मैं तुम्हें बता दूं कि पहले भी जीरो आर में बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्पाउस का वीजा खत्म कर दिया। अब दोबारा कहा स्पाउस का कोई वीजा खत्म नहीं किया गया। एक मिनट। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि उनका जीरो आर का लंबा प्रश्न H-1B वीजा पर था, मैं उस पर सदन में अलग वक्तव्य दूंगी। अभी मैं केवल प्रश्न के जवाब दे रही हूँ और उसमें बहुत से प्रश्न हैं। इजराइल, जर्मनी, USA मिला हुआ,
जहाँ तक आपका प्रश्न था जीरो अवर का, मैं केवल H-1B वीजा पे जो आपने सवाल उठाए हैं, वीजा बंद कर दिया गया, फीस बढ़ा दी गई, संख्या कम कर दी गई, उस पर मैं अलग से एक पूरा वक्तव्य आपके उस सवाल के जवाब में जो आपने विषय उठाया उस पर दूंगी। जहाँ तक रक्षा की बात है, आप जो बात कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि आप सेल्फ रिलायंट की तरफ, रिलायंस की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे, और जो उन्होंने कहा कि हम इस सरकार को समर्थन नहीं दे रहे थे, मैंने कभी नहीं कहा आप इस सरकार को समर्थन दे रहे थे। मैंने कहा 52 से लेकर आज तक जितनी सरकारें हैं उनमें से कुछ सरकारें जिन्हें आप भी समर्थन दे रहे थे वो कभी सेल्फ रिलायंस की तरफ डिफेंस में नहीं बढ़ी। ये पहली वर्तमान सरकार है जो सेल्फ रिलायंस की तरफ डिफेंस में बढ़ी है। श्री तपन्ना से कहना चाहूंगी कि अभी मैंने आनंद भाई को ये कहा है और आपके माध्यम से कहा है कि H-1B वीजा पर मैं एक लंबा स्टेटमेंट यहाँ दूंगी। ये जितनी बातें कह रहे हैं, क्योंकि इन तमाम सवालों के जवाब प्रश्न के उत्तर में नहीं दिए जा सकते, क्योंकि इन्होंने कह दिया ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं फीस बढ़ा दी, संख्या कम कर दी, नहीं तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि H-1B वीजा पर मैं अलग से वक्तव्य दूंगी जो